हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की जितने भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनको देखने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। तो अब 2024 में ही सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना नाम से शुरू की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो उद्घाटन इस योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके द्वारा इस स्कीम को चलाया जाएगा, लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI इसने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टोल्स के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि टोल संग्रह जो होता है टोल प्लाजा पर काफ़ी देर तक लाइन्स में गाड़ियां खड़ी रहती हैं उसमें सुधार किया जा सके। तो इसी के तहत एक पहल शुरू की गई है, एक वाहन एक फास्टैग। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना और फास्टैग के दुरुपयोग को रोकना। NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसको शुरू किया है और जनवरी 2024 में इसे स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? जितने भी क्राफ्ट्समैन होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, कारीगर, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, उनके लिए एक योजना शुरू की गई है। इसका नाम है PM विश्वकर्मा योजना। इसमें पारंपरिक कारीगरों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा और लोन पर 8% की सब्सिडी दी जाएगी। 17 सितंबर 2023 को इस योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया। अब देखिए, विश्वकर्मा योजना हो या फिर ये मिष्टी योजना हो, दोनों को ही जो बजट आया था 2023 का उसमें इनको अनाउंस किया गया था। ठीक है, मिष्टी योजना किस लिए है? ये इसका आंसर है सी, मिष्टी योजना, मैनग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए। समुद्र तटों पर मैनग्रोव वृक्षारोपण करना इस योजना का उद्देश्य है। सी करेक्ट होगा, वनों का संरक्षण और किसानों की गरीबी में कमी की दोहरी चुनौती का समाधान करना इसका उद्देश्य है। मिष्टी की फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, तो सिंपली ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि मिष्टी योजना किस क्षेत्र से रिलेटेड है, किस चीज़ के लिए शुरू की गई है। तो याद रखिएगा, मैनग्रोव के लिए है ये। शुरुआत इसकी हुई थी 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? रामसर स्थलों के लिए योजना है अमृत धरोहर योजना। मैनग्रोव के लिए थी मिष्टी। इस योजना का उद्देश्य है आर्द्र भूमि के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों को बढ़ाना। वेटलैंड्स जो होते हैं, आर्द्र भूमियां, उनको संरक्षित करने के लिए अमृत धरोहर स्कीम्स को शुरू किया गया है। योजना 3 सालों तक चलेगी। ये 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो यहाँ भी देख रहे हैं कौन सी योजना है, गोबर धन योजना। गोबर धन, इसकी भी फुल फॉर्म है गोबर धन की गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। अरुण जेटली जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया 1 फरवरी 2018 को। जब बजट पेश किया गया उस समय पर ही गोबर्धन योजना की बात की गई, इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य है इसका शहरों और गांवों में जैविक कचरे के तहत स्थापित बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों को जैविक खाद के लिए 1500 रुपये प्रति टन केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो मवेशियों का जो भी गोबर होता है उसको किस तरह से प्रबंधित किया जा सकता है, कैसे उसमें से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी, 1500 रुपये प्रति टन सहायता दी जाएगी। मतलब 1 टन अगर जैविक खाद का प्रोडक्शन किया जाता है तो उस पर 1500 रुपये सरकार देगी। तो इससे क्या होगा, एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? ये स्कीम है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को GST बिल लेने के लिए प्रेरित कर सके और टैक्स चोरी जो लोग करते हैं उसको कम किया जा सके। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट में कैसा होता है ना कि पहले कुछ कुछ एरियाज में या कुछ कुछ क्षेत्र में उस स्कीम को लागू किया जाता है, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कैसा जा रहा है,
उसके बाद फिर उसको ओवरऑल पूरे देश में लागू किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। शुरुआत इसकी 1 सितंबर 2023 को हुई थी, मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? खेती में हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं कई सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जैसे कि फसल जो है वो अच्छी उगे, या फिर फसल में कुछ भी कीड़े वगैरह ना लगे, फसल खराब ना हो, इन कई उद्देश्यों की वजह से उर्वरकों का यूज किया जाता है। अब पहले जब हम यूज करते थे उर्वरकों का, वो थोड़े नेचुरल उर्वरक होते थे, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, एग्रीकल्चर में भी टेक्निकल डेवलपमेंट देखा गया है, तो उसके बाद हमने रासायनिक उर्वरकों का यूज करना शुरू कर दिया, और अब धीरे धीरे उन रासायनिक उर्वरकों के नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए सरकार की कोशिश है कि रासायनिक उर्वरक जो यूज करते हैं हम खेती में, उसके उपयोग को कम किया जाए और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाए। इसी के तहत, इसी सरकार की योजना के तहत पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है 2023 में, 28 जून 2023 कैबिनेट की मंजूरी इस योजना को मिली, शुभारंभ किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। पीएम प्रणाम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। और इसका उद्देश्य क्या है कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के साथ में खेती में रासायनिक उर्वरक जो है उनका यूज कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, और बहुत अच्छी खासी सब्सिडी देती है, जिससे सरकार के ऊपर भी बोझ आता है थोड़ा, तो उसको भी कम किया जाए, साथ में रासायनिक उर्वरकों का यूज भी कम किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, पीएम किसान भाई योजना, ये इसका आंसर है। पीएम किसान भाई का पूरा नाम है पीएम किसान भंडार प्रोत्साहन योजना। इस योजना में किसान जब भी उनकी फसल की कटाई होती है, उसके बाद कम से कम 3 महीने तक अपनी फसल को वो स्टोर करके रख सकते हैं। इससे पहले तक उन्हें तुरंत ही बेचनी होती थी, जिससे व्यापारी लोग जो है वो अपना एकाधिकार शो करते थे, और जिस तरह से वो चाहते थे उसी रेट पर या उसी तरीके से किसानों को अपनी फसलें बेचनी पड़ती थी। लेकिन अभी व्यापारियों को उस एकाधिकार को, मोनोपोली को खत्म किया जा सके, इस वजह से इस योजना की शुरुआत की गई। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, उसके द्वारा नया सवेरा नाम की स्कीम को शुरू किया गया है, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा सके, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तैयार किया जा सके उन्हें। भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है पीएम मित्रा योजना, 7 राज्यों में शुरू किया जाएगा। पार्क्स बनाए जाएंगे, पार्क इस स्कीम में क्या है, पार्क्स बनाए जाएंगे। पार्क किस तरह के? टेक्सटाइल सेक्टर के। पीएम मित्रा की फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। कपड़ा मंत्रालय जो हमारा है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, उसके द्वारा ही इस स्कीम को शुरू किया गया, उसके द्वारा ही चलाया जा रहा है, और टेक्सटाइल सेक्टर की वैल्यू चेन को पूर्ण रूप देने के लिए इसे शुरू किया गया। 6 अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई थी, और ये 7 राज्य जहां पर ये बनाए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क, ये हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? केंद्र सरकार के द्वारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वित्त पोषण करने के लिए, उन्हें पैसा देने के लिए शुरू किया है पीएम उषा अभियान को। पीएम उषा की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उच्च शिक्षा संस्थान है, उनमें गुणवत्ता बढ़ाना, मानदंडों और मान्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, शासन और शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देना, और अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। जून 2023 में ये स्कीम शुरू की गई थी। फिर रूसा के बारे में आपने सुना होगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका नाम बदलकर ही पीएम उषा योजना कर दिया गया है। अभी तक जो रूसा चल रही थी वो अब खत्म करके पीएम उषा कर दिया गया उसको। भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? इसके लिए पीएम ई बस सेवा की शुरुआत की गई है। उद्देश्य है इसका शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना। 100 से ज्यादा शहरों में पीपीपी मॉडल के आधार पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें इसके तहत चलाई जाएंगी। पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी। इसके आधार पर 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें
और ये स्टार्ट की जाएंगी 16 अगस्त 2023 को स्कीम शुरू की गई है। खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना किस देश ने शुरू की है? इसे भारत के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है देश भर के हर ब्लॉक में 2000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करके उचित भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खाद्यान्न को होने वाले नुकसान को कम करना है। क्योंकि अभी क्या होता है, राशन दिया जाता है ना, राशन की दुकानें होती हैं और ये सब कौन, FCI जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये सब काम देखता है। अब क्या होता है कि जो भी खाद्यान्न उसमें होता है, जो भी राशन में जो भी सामान होता है, खाद्यान्न होता है, उनके भंडारण के लिए जो भी जगह बनाई गई है ना, स्टॉक के लिए जो भी गोदाम बनाए गए हैं, वो प्रॉपर नहीं है। और इस वजह से क्या होता है, वहां पर जो गेहूं है, चावल है या जो भी खाद्यान्न है, वो खराब हो जाते हैं बड़ी मात्रा में। तो इसीलिए इस स्कीम को शुरू किया गया, अन्न भंडारण योजना को शुरू किया गया है, ताकि देश के हर एक ब्लॉक में इस तरह का एक गोदाम बनाया जाए जहां पर खाद्यान्न का नुकसान कम से कम हो। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको, इस ये जो योजना है, इसको चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो PM के द्वारा मेरा युवा भारत या फिर माई भारत नाम के एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। यूथ के लिए है, बेसिकली यूथ को एक मंच प्रोवाइड करता है जहां पर वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका वहां पर निभा सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? पिक्चर में भी देख रहे हैं, मिशन वात्सल्य योजना है जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई 2009 में। इसके तहत देश के प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? यह है लखपति दीदी योजना। महिलाओं को इसके तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि वो जो भी अपना काम कर रही हैं, जो भी बिजनेस करना चाहती हैं, जो भी उद्योग करना चाहती हैं, उसमें सरकार उनकी हेल्प कर सके और महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, इसे लॉन्च किया था 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस को लाल किले नई दिल्ली से इसको अनाउंसमेंट किया गया था PM के द्वारा। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांव का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? बॉर्डर पर जो भी गांव पड़ते हैं, चीन और भारत के बॉर्डर पर इंडिया में जो गांव है उनको डेवलप किया जाए ताकि कनेक्टिविटी वहां तक अच्छे से हो सके। इसके लिए 2023 में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और कहां से इस स्कीम की शुरुआत की गई, इस प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गांव से शुरू किया गया है। किबिथू बॉर्डर विलेज है, अरुणाचल प्रदेश में है, चीन सीमा से लगा हुआ एक गांव है। 15 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किबिथू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 को किस योजना को शुरू किया था? कोविड के टाइम पर सब तक खाना पहुंच पाए, क्योंकि लोग की कमाई बंद हो गई थी, सब घर में थे, लॉकडाउन था, तो राशन की उपलब्धता के लिए PM गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके तहत 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया गरीबों को हर महीने। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया था 1 जनवरी 2023 को, और अभी नवंबर 2023 में ही केंद्र सरकार ने इस योजना को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। चलती रहेगी लगातार 2028 तक योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? यह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 22 जनवरी 2024 में शुरू की गई है ये। 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना इस योजना का लक्ष्य है। सरकार के द्वारा लोगों को हेल्प की जाएगी सौर पैनल लगाने में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है? ये योजना है पृथ्वी विज्ञान, या फिर इसे शॉर्ट में पृथ्वी के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है, नाम भी यही है योजना का, और इसका उद्देश्य है विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, बेसिकली अर्थ साइंसेस को और ज्यादा गहराई से समझना। PM मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक रखने का ऐलान किया है, ये हम देख चुके हैं पीछे, 2028 तक। 5 किलो मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जाता है हर महीने। 2020 में योजना शुरू हुई थी, पहले 2022 तक के लिए ही ये योजना चलाई गई थी, लेकिन फिर दिसंबर 2023 तक इसे बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए,
और अब फिर 5 सालों के लिए फिर से इसको बढ़ा दिया गया है। स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसके लिए पीएम श्री योजना शुरू की गई है। 14,500 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे इस योजना के तहत। पीएम श्री की फुल फॉर्म है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम मोदी ने शुरू किया 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया। लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये योजना प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। उद्देश्य है इसका बाल लिंग अनुपात कम करना, क्योंकि हरियाणा में देखते हैं हम लिंग अनुपात सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहीं से ये लॉन्च हुई थी। बाल लिंग अनुपात को कम करना इसका लक्ष्य है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करना। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया है? तो ये योजना है पीएम मुद्रा योजना। पूरा नाम है मुद्रा का माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट री फाइनेंस एजेंसी। पीएम मोदी ने लॉन्च किया, वित्त मंत्रालय के अंडर ये आती है स्कीम। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से हुई थी और इसमें जो भी छोटे उद्यमी होते हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब 3 कैटेगरीज में मुद्रा योजना चलाई जाती है। 3 कैटेगरीज में लोन दिया जाता है, एक शिशु है, फिर किशोर और तरुण। शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। किशोर कैटेगरी में आते हैं तो लोन की संख्या बढ़ जाती है, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तरुण में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के बीच का लोन दिया जाता है। अब इनमें भी किस तरह से डिसाइड होता है, तो कंडीशंस होती हैं कि आपने बिजनेस मान लीजिए शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस कोई, तो फिर आप शिशु कैटेगरी में आएंगे। ऑलरेडी बिजनेस आपका स्टेब्लिश है, उसको और बढ़ाने के लिए आपको लोन की जरूरत है, तो तरुण कैटेगरी में अकाउंट कर लिया जाएगा, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे अगर आपका स्टेब्लिश है, आप छोटे उद्यमी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू की थी? यह है आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन डी करेक्ट है। पीएम मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया 23 सितंबर 2018 में झारखंड की राजधानी रांची से इसे लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत स्कीम को पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों में ही ये लागू होती है। जो भी पात्र परिवार हैं, एलिजिबल फैमिलीज हैं, उनको हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर इसके तहत प्रदान किया जाता है। भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस मिशन को शुरू किया था? यह है सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन। पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंडर आती है ये स्कीम, ये मिशन। 25 जून 2015 में इसे शुरू किया गया और शहरों के लिए है मेनली। शहरों में जो भी बुनियादी ढांचा, स्वच्छता, टिकाऊ वातावरण ये सब चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया था? तो ये योजना है स्माइल योजना। यहाँ पर देखिए स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर ये स्कीम आती है। इसकी शुरुआत हुई थी 12 फरवरी 2022 में और इसका उद्देश्य है देखिए दो कम्युनिटी जुड़ी हुई हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं उनके लिए है ये, उनके वेलफेयर के लिए। उन्हें जो भी कानूनी सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित जीवन, ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लागू की गई। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया है? यह अग्निपथ भर्ती योजना, जिस पर बहुत बवाल भी देखने को मिला। भारतीय सेना में भर्ती के लिए 14 जून 2022 को इस योजना को शुरू किया गया। अब इसके लिए अग्निवीर नाम से जाना जाएगा, जो भी सेना में भर्ती होने के लिए जाएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और इसके लिए एज जो है 17.5 साल से 23 साल के बीच कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से अगस्त 2014 में किस योजना को शुरू किया है? तो यह है पीएम जनधन योजना। जीरो अकाउंट बैलेंस जो हम खोल पाते हैं बैंक में, वो इसी योजना के कारण खोल पाते हैं। 15 अगस्त 2014 में इस योजना को अनाउंस किया गया था और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई थी। पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया, वित्त मंत्रालय के अधीन आती है ये। योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। जो भी वंचित वर्ग हैं और कम आय वाले वर्ग हैं उन्हें वित्तीय सेवाएं जैसे कि सरकार के द्वारा जो भी बीमा या पेंशन प्रोवाइड किया जाता है या अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो बैंक अकाउंट के जरिए डायरेक्ट लोगों तक पहुंच पाएं, इस वजह से ये स्कीम को शुरू किया गया था।
भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस अभियान को शुरू किया था? इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। डी ऑप्शन करेक्ट है। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की, इसको अनाउंस किया। नारा है इसका, एक कदम स्वच्छता की ओर। उद्देश्य क्या क्या है? नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना, समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना को शुरू किया? केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई ताकि कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान किए जा सके। 25 जून 2015 में इस स्कीम को शुरू किया गया है, सभी के लिए आवास पहल के तहत, हाउसिंग फॉर ऑल। शहरी विकास मंत्रालय के अधीन ये स्कीम आती है, याद रखिएगा। और गरीबी रेखा से नीचे वाले जितने परिवार हैं उनका खुद का घर हो, उन्हें किराए पर घर नहीं लेना पड़े और बहुत किफ़ायती अफोर्डेबल घर उनको मिल सके, इस वजह से इसे शुरू किया गया। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? यह है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों के अंडर ये वाला प्रोग्राम आता है। 1 जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ। इसका मोटो है पावर टू एम्पावर। भारत के लिए डिजिटली सशक्त समाज बनाना है, डिजिटलाइजेशन करना है ताकि ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके। आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी? इसका नाम है उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसकी फुल फॉर्म है। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर ये स्कीम आती है। 27 अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया इसको, और इसका उद्देश्य है आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाना। अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2015 में किस योजना को शुरू किया था? ये योजना है नई मंजिल योजना। इसके बारे में यहाँ देखिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंदर ये योजना आती है। 8 अगस्त 2015 में शुरू हुई। अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति और उनका सशक्तिकरण करने के लिए इसको लागू किया गया। गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस परियोजना को शुरू किया था? ये है नमामि गंगे परियोजना। जून 2014 को हरिद्वार उत्तराखंड से इसे शुरू किया गया। गंगा नदी में जो भी पोल्यूशन वगैरह देखने को मिलता है वहाँ पर साफ सफाई करना, संरक्षण करना नदी का, प्रदूषण रोकना और गंगा नदी को के टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया है? ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। 24 फरवरी 2019 में लॉन्च हुई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया। इसके तहत जितने भी छोटे और सीमांत किसान होते हैं उन्हें 6,000 रुपये की सालाना आय सहायता प्रदान की जाती है और ये 6,000 रुपये 3 किश्तों में दिए जाते हैं। संस्कृति मंत्रालय की इस योजना के तहत 1,000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी। ये योजना है स्मारक मित्र योजना। जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स और स्मारक हैं उनको रखरखाव उनका गवर्नमेंट इतने अच्छे से नहीं कर पा रही है, कई सारे ऐसे हैं, तो इसी वजह से उनका रखरखाव अच्छे से हो पाए उनको निजी प्लेयर्स के हाथों में, निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा जाएगा इस योजना के तहत, और 1,000 स्मारक इसमें चुने गए हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया पहला गांव जयापुर बनारस है। मतलब सिंपल ये है कि जो भी सांसद हैं अपने एरिया के वो क्या करेंगे, एक गाँव को गोद लेंगे। गोद लेना मतलब क्या होता है कि जिम्मेदारी लेंगे और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए फिर उसका डेवलपमेंट करेंगे पूरी तरह से, उसे आदर्श गांव के रूप में तब्दील करेंगे। तो पहला गांव ये था जयापुर बनारस में है। इसकी शुरुआत स्कीम की हुई 11 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी द्वारा। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर ये योजना शुरू की गई 11 अक्टूबर के दिन, और ग्रामीण इलाकों में विकास करना इसका उद्देश्य है। समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में किस योजना को शुरू किया था? यह है पीएम ई विद्या योजना। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा 28 मई 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी पीएम ई विद्या योजना की। इसे वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत कोविड 19 महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया है ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो अफेक्ट ना हो।
भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका नाम है पीएम उजाला योजना। यहाँ जो पिक्चर है ये उज्ज्वला योजना की लगी हुई है, ये गैस सिलेंडर के लिए है। उजाला योजना जो है ये एलईडी बल्ब के लिए है। तो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ गलती से पिक्चर दूसरी लग गई है। तो याद रखिएगा, उजाला के फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। 1 मई 2015 को इसको शुरू किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड कंपनी के अधीन आती है ये योजना, और पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यह है उजाला योजना। केंद्र सरकार ने उर्वरक की चोरी और काला बाजारी रोकने के लिए अक्टूबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? यह है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। जो भी खाद और उर्वरक चाहिए किसानों को, वो कम मूल्य पर उनको मिल सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया 17 अक्टूबर 2022 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना शुरू की गई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंदर ये आती है योजना, 2015 में शुरू हुई। और जो भी जेनरिक दवाइयां हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलती हैं मार्केट में, वो 60-70% तक कम कीमत पर दवाइयां मिल सकें ताकि गरीब लोग भी उनका इस्तेमाल कर सकें, इस वजह से ये योजना शुरू की गई। कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया? ये है स्पिन योजना, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्पिन की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। KVIC के द्वारा इस योजना को 17 सितंबर 2021 में शुरू किया गया। उद्देश्य है कि स्थानीय स्वरोजगार इसमें सृजित किया जा सके, ये बनाया जा सके। 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका नाम है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 कोलकाता से शुरू हुई। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA इसके द्वारा ये योजना विनियमित की जाती है। उद्देश्य है इसके तहत 60 साल की उम्र में 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 प्रति माह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रोवाइड की जाती है। अब ये इतने सारे कैसे हैं, अलग अलग कैसे हैं, कि किस तरह से योगदान कोई व्यक्ति देता है उसी के आधार पर ये दिए जाते हैं। अगर कोई कम, जैसे कि किसी की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है उसके बाद उसने पेंशन में पैसा डालना शुरू किया है, तो उसे फिर कम पैसे मिलेंगे। जो बहुत टाइम तक डाल रहा है, जिसने बहुत सारे पैसे डाले हैं, उसे फिर ज़्यादा मिलेंगे, 5,000 पर महीने मिलेंगे। कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया है? यह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई। जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अंडर ये आती है, और कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए इसे लागू किया गया। भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया था? यह आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान। 25 अक्टूबर 2021 से ये योजना शुरू होती है। इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य में जो बुनियादी ढांचा चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उसको मजबूत बनाना, ताकि आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जो चल रही है उनका लाभ तभी तो पहुंचेगा जब बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल्स में होना चाहिए वो मौजूद है। तो इसीलिए इस स्कीम को शुरू किया गया। रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में किस योजना को शुरू किया? यह है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया 1 जून 2020 में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन ये आती है स्कीम, और इसमें स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल लोन की गारंटी प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा। भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में किस योजना को शुरू किया था? यह प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। 15 अगस्त 2021 में इसे लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा, और इसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उद्देश्य है और देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना। भारत को मछली और जलीय उत्पादों का उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में किस योजना को शुरू किया था? इसके लिए पीएम के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरुआत किया गया। इसकी शुरुआत की गई मछली और जलीय उत्पाद जो होते हैं उनके लिए 10 सितंबर 2020 में लॉन्च हुई, और इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से भारत में नीली क्रांति लाना। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों की ऊर्जा उत्पादन से संबंधित किस योजना को शुरू किया था? पीएम कुसुम योजना शुरू की गई। इसके लिए फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। 19 फरवरी 2019 में लॉन्च हुई। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया।
खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किस योजना को शुरू किया था? यह है एक देश एक राशन कार्ड योजना। 1 जून 2020 में इस योजना की घोषणा हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत NFSA जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसके अंतर्गत 9 अगस्त 2020 को 4 राज्यों से इसकी शुरुआत की गई। ये 4 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी PDS शॉप से जाकर अपना राशन ले सकता है। पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए राशन कार्ड किसी का यूपी का बना हुआ है तो वो यूपी में ही जाकर अपना राशन ले सकता था। अगर मान लीजिए वो दिल्ली में आकर रह रहा है यूपी से तो वो दिल्ली में राशन नहीं ले सकता था। लेकिन अभी इस स्कीम के तहत ये कर दिया गया कि कोई व्यक्ति कहीं से भी है उसका राशन कार्ड जो होगा वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी चलेगा। ठीक है, तो इससे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना उनको काफ़ी हेल्प होगी इस स्कीम के तहत। देश के 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया था? यह है इंद्रधनुष योजना। 2 साल तक के बच्चों के लिए और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। 25 दिसंबर 2014 25 दिसंबर सुशासन दिवस होता है, उसी दिन 2014 में इसे लागू किया गया। ऐसे लोग जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया उनका वैक्सीनेशन करना इसका उद्देश्य है। सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया है? तो रक्षा मंत्रालय के लिए सेहत योजना इसके लिए शुरू की गई है। सेहत के फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। 27 मई 2021 में योजना शुरू की गई और इसका उद्देश्य है सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रोवाइड करना। प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी? यह है अमृत योजना। अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। 25 जून 2015 में ये स्कीम शुरू हुई और हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के लिए अगस्त 2022 में किस योजना को शुरू किया था? जनजातीय लोगों के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। अब यहाँ पर देखिए इस योजना को पहले जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के नाम से जाना जाता था। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंडर ये स्कीम आती है। 2021 में इस योजना का नाम चेंज किया गया, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना रखा गया। जितने भी गाँव सेलेक्ट किए जाते हैं वहाँ पर एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास प्रोवाइड करना सामाजिक आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य है। महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया है? यह है अवसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। पूरा नाम है इसका एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा 8 अप्रैल 2022 में ये शुरू की गई महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस योजना को शुरू किया? यह है सार्थक योजना। यहाँ पर देखिए सार्थक की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। 29 जुलाई 2020 में योजना शुरू हुई, शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और इसका उद्देश्य है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों के लिए एक अनुकूल सीखने का माहौल बनाना। भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? यह है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। 29 सितंबर 2021 में शुरू हुई और सरकारी स्कूल में बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, लंच प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके पोषण को सुनिश्चित किया जा सके और गरीब छात्रों की प्रेजेंस बढ़ सके स्कूल में। इस वजह से भी भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? यह है सुकन्या समृद्धि बचत योजना। 22 जनवरी 2015 शुरू हुई। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े इस वजह से इसे शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खातों में पहुंचाने के लिए जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका नाम है प्रधानमंत्री पहल योजना। मूल रूप से ये 2013 में शुरू की गई थी लेकिन पूरे देश में 1 जनवरी 2015 से शुरू की गई। फिर से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी जो है उसे डायरेक्ट लोगों के खातों में पहुँचाना इसका उद्देश्य है। पहल की फुल फॉर्म क्या है? प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ।
ठीक है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में किस योजना को शुरू किया है? ये है सेतु भारतम योजना। 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया इसे। बजट इसके लिए 102 बिलियन रुपए रखा गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग मुक्त बनाना इसका उद्देश्य है। व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में किस योजना को शुरू किया? यह है स्टार्टअप इंडिया योजना। 16 जनवरी 2016 में इसे लॉन्च किया गया। स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल बन सके देश में, इसके लिए इसे शुरू किया गया। और अब देख रहे हैं हम इतने सालों बाद इसका, वैसे भी कोई भी चीज़ लागू हो रही है, अगर देश में लॉन्च हो रही है तो उसको अपना रिजल्ट दिखाने में 4-5 साल लग जाते हैं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया जो थी ये भी अपना रिजल्ट अब दिखा रही है। भारत में इतने सारे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं कि भारत यूनिकॉर्न्स के मामले में 3rd नंबर पर आ गया है दुनिया में, USA और चाइना के बाद। भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 में किस योजना को शुरू किया? ये योजना है स्टैंड अप इंडिया लोन योजना। 5 अप्रैल 2016 में लॉन्च हुई। वर्तमान में 2025 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। और इसका उद्देश्य है कि भारत की बैंक शाखाओं के माध्यम से नए उद्यम स्थापित करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को मदद करना। सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस मिशन को शुरू किया था? तो ये आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया 13 अप्रैल 2021 में। इसका आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। और ये बेसिकली अवेयरनेस इनिशिएटिव के तौर पर देख सकते हैं, नागरिकों को अच्छे आहार के लिए जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? यह है युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। शुरुआत इसकी हुई थी 29 मई 2021 में। फिर अक्टूबर 2022 में युवा 2.0 योजना को भी लॉन्च किया गया। युवा पीढ़ी को प्रेरित करना और इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें कॉम्पिटिशन के लिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें तैयार करना इसका उद्देश्य है। हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया? यह है वन स्टॉप सेंटर योजना सखी। 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आती है और सभी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाएं और बालिकाएं, इनके लिए वन स्टॉप सेंटर इसके तहत बनाए गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। Bye-bye and take care.